विद्यार्थियों में हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के अच्छे विद्यार्थियों को क्षितिज भाग 2 का प्रखंड पाठ का नाम है कन्यादान। इसके रचनाकार है कवि ऋतुराज। पिछली वीडियो में मैंने उत्साह बट रही है दादाजी कविता पढ़ाया था, उसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक काव्य खंड का अंतिम पाठ है, बस इसके बाद आपको काव्य खंड में कुछ नहीं पढ़ना है। सूर आपने पढ़ा, तुलसी आपने पढ़ा, निराला आपने पढ़ा, ऋतुराज पढ़ लीजिए। बस इन्हीं चार साहित्यकारों की कविताएं आपको पढ़नी है। सूर के पद आपने पढ़ा, तुलसी के चौपाई और दोहे आपने पढ़ा, निराला जी की जो उत्साह पट रही है कविता छंदमुक्त कविता आपने पढ़ी, और ऋतुराज की भी छंदमुक्त कविता है कन्यादान, इसको पढ़ेंगे। कन्यादान, कन्यादान करते समय माँ के अंतःकरण में कैसी भावनाएं उठती हैं, किस तरह से वो समस्या ग्रस्त हो जाती है, इन बातों का वर्णन इस कन्यादान पाठ में किया गया है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है कन्यादान। इसका भावार्थ मैं बताने चल रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगा और नोट्स में कन्यादान से संबंधित प्रश्न मैं लिख करके दे दूंगा। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, प्रमाणिक मतलब होता है जिसका प्रमाण है, वास्तविक प्रमाणिक मतलब वास्तविक दुख, सही सही दुख। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे कोई धन को थोड़ा थोड़ा करके संभाल के रखता है, वो उसकी पूंजी बन जाती है खजाना, और उस पूंजी को उस खजाने को किसी को दे दे दान करके। वैसे कन्या है, कन्या को माँ बचपन से शैशवावस्था से पाल पोस करके जब युवा कर देती है तब उसे वर को सौंप देती है, उसके हाथों दान कर देती है। तब उस समय उसके मन में क्या दशा होती है, लड़की को दान देते समय जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वो कन्या और लड़की माँ की अंतिम पूंजी हो जिसको बहुत दिन से संभाल के रखा है माँ ने। लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी का मतलब परिपक्व समझदार। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। भोली सरल, भोली का मतलब ना समझ, सरल का मतलब उसका स्वभाव भी बहुत सरल है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, वो ना समझ है। अभी वो किसी बात को गहराई से नहीं समझ सकती है, मार्मिक बातों को नहीं जान सकती है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख पहुंचना नहीं आता था। अगर कोई उसको सुख पहुंचाए तब उसको तो जान लेती थी, लेकिन लोग किस तरह से दुख देते हैं, उस दुख देने की मार्मिकता को किस तरह से लोग लगता है सुख पहुंचा रहे हैं लेकिन वास्तव में हमें दुखी करना चाहते हैं, उन मार्मिक बातों को अभी यह मीडिया नहीं जानती है। अभी इसके अंदर वो अनुभव नहीं है जिस अनुभव को माँ ने ग्रहण किया है। इतने दिन तक ससुराल में माँ ने जिन दुखों को सहन किया है, जिन बातों का अनुभव किया है, ससुराल के वो दुख उन बातों को उनकी बिटिया अभी नहीं जानती। माँ कहती है लेकिन दुख पाचना नहीं आता था, पाठिका थी माने पढ़ लेती थी, दुख सुख समझ लेती थी, पाठिका थी वह दुधले प्रकाश की, पाठिका थी वह दुधले प्रकाश की, लेकिन अस्पष्ट रूप से सुख और दुख का भेद नहीं कर पाती थी। जान तो लेती थी कौन सुख दे रहा है कौन दुख दे रहा है, लेकिन अस्पष्ट रूप से नहीं जान पाती थी कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन हमारा सच्चा हितैषी नहीं है।
पाठिका थी वह दुगले प्रकाश की कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माने जब तुक बंदी मिला करके कोई कविता पढ़ लेता है तो बढ़िया गा लेता है, लेकिन उनके मार्मिक भाव को कुछ लोग ही समझ पाते हैं। वैसे बिटिया दुख सुख जान तो सकती थी, लेकिन कौन मेरा सच्चा ही वैसी है और कौन मेरा सुख शिक्षक नहीं है, इन मार्मिक बातों को वह नहीं समझ सकती थी। अगला है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। यहाँ माँ अपनी बिटिया को सावधान कर रही है, संदेश दे रही है, हे बिटिया जब तुम ससुराल में जाना तो तुम्हारी लोग प्रशंसा करें तो उन प्रशंसा को सुन करके अपने अंदर अभिमान मत लाना। प्रशंसा पूर्ण शब्दों को सुन करके बहुत खुश मत हो जाना, सावधान रहना। कैसे सावधान रहना? अपने चेहरे पर मत रिझना, ऐसे पानी अपने चेहरे पर मत रिझना। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इसे पानी में कोई सुंदर चेहरा देख करके प्रसन्न हो जाएगा, खूबसूरत हूँ, इस तरह से प्रशंसामयी बातों को सुन करके खुश मत होना, सावधान रहना, सचेत रहना। जैसे आग जलाई गई है, अगर आग जलाई गई है सावधानी से उसके ऊपर हम बर्तन रख करके भोजन पका सकते हैं, सावधानी हटी तो हम जल जाएंगे। वैसे आग माने प्रशंसा के जो शब्द हैं या आभूषण जो वस्त्र हैं इनके भ्रम में मत फंसना, वास्तविकता पर हमेशा ध्यान देना। कोई वस्त्र आभूषण दे करके तुमको खुश करके उससे अधिक अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है तो सावधान रहना, उन वस्त्र आभूषणों से सावधान रहना। कोई तुम्हारी प्रशंसा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है तब उनसे सावधान रहना। समझा रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। लापरवाही करोगी तो प्रशंसा ये आभूषण वस्त्र आग के समान है जो तुम्हें जला देंगे। वस्त्र और आभूषण सात्विक धर्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, यही वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है। इसकी तरह शब्द की तरह, जैसे प्रशंसा के शब्द को सुनकर के व्यक्ति भ्रमित हो जाता है या बिटिया भ्रमित हो जाएगी, उसी तरह से वस्त्र आभूषण से भी वह भ्रमित हो जाएगी। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, बहुत अच्छा संदेश दिया। बिटिया को कह रही है कि हे बेटा लड़की होना अच्छी बात है, लड़की की मर्यादा का पालन करो, सील गुण धर्म लज्जा जो भी नारी के गुण हैं उन सब का अनुकरण करो, लेकिन कभी भी अत्याचार और अन्याय को बर्दाश्त मत करना, घुट घुट करके मत जीना, कभी भी अपने ऊपर किए गए अन्याय को सहन मत करना। नारी जीवन के आदर्श का पालन करना, नारी जीवन की मर्यादा का पालन करना, एक आदर्श नारी बनकर के जीवन यापन करना, लेकिन कोई तुम्हें दासी समझे, कोई तुम्हें लाचार समझे, बेबस समझे, तब फिर इस बात को बर्दाश्त मत करना, उसका खुल के विरोध करना, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करना, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से मर्यादा का ध्यान अनुशासन का ध्यान रखते हुए प्रसन्न होकर